अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, कैम शो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन माइल्स। तो अभी टाइम हुआ है 9:10 हो चुका है। वैसे मुझे निकलना था 6 या 7 बजे पर, अक्सर लेट हो जाता है। तो आज सैटरडे है तो मैंने सोचा अच्छी जगह एक्सप्लोर करते हैं आज। तो वैसे ये जगह काफ़ी फेमस है तो आपको मैं ले चलता हूँ। चलिए लोकेशन पे मिलते हैं आपसे। अभी वैसे मौसम बहुत अच्छा है। जब मैं घर से निकला था थोड़ी धूप थी, पर अभी धूप जा चुकी है तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी एटमॉस्फेयर भी एकदम आंसू हो गया। पता नहीं आवाज़ अभी कैसी आ रही होगी आप लोगों को, पर अभी थोड़ा क्या जुगाड़ करके मैंने माइक लगाया हुआ है। देखते हैं घर जाके पता चलेगा कैसा एक व्यू निकल के आ रहा है और रिकॉर्डिंग वगैरह। राइड करने का तो बहुत मज़ा आ रहा है यार सच्ची में। ऐसा अगर मौसम हो तो राइड करने का मज़ा कुछ दोगुना चौगुना हो जाता है। कार वाले लोग को पता नहीं कहाँ जाना, इतनी स्पीड में निकल रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। चैनल को आपको सपोर्ट करना है। जब से एवेंजर को सर्विस करा है एकदम मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी, बिल्कुल नई जैसी हो गई है। अगर टाइम पे सर्विस करवाते रहना चाहिए आप लोगों को भी अपना बाइक। लॉकडाउन की वजह से बाइक चली नहीं थी तो सीधा क्लच प्लेट ही टूट गया था इसका। आप लोगों को पता लग गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी तो मैं एंटर हो चुका हूँ गांधीनगर सिटी के अंदर, द ग्रीन सिटी ऑफ गुजरात। हॉर्न बजा रहा है पीछे से। अहमदाबाद में ट्रैफिक काफ़ी ट्रैफिक बढ़ चुकी है अहमदाबाद के अंदर। कई बार ट्रैफिक के अंदर चलाने का मज़ा नहीं आता यार, पर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं अडालज की वाव। वैसे ये अहमदाबाद से अगर आप आते हैं तो मेरे जो घर से ये कुछ 19 किलोमीटर है, तो रिवर फ्रंट से आप आते हैं तो आपको काफ़ी नज़दीक पड़ेगा वहाँ से। सो दिस इज़ द प्लेस, वो आपको मैं एक्सप्लोर करवाना चाह रहा था। और यही वो जगह है जो काफ़ी मतलब बहुत फेमस हो चुकी थी, शाहरुख खान की जो मूवी आई थी रईस का जो गाना शूट हुआ था जालिमा, तो ये पूरा यही लोकेशन पे शूट किया गया था। पीछे आप देख सकते हैं, वैसे अभी इसकी जो कंडीशन है काफ़ी पहले ऐसी थी, पर जो सॉन्ग के अंदर उन्होंने जो लिया था उसमें जो आर्ट डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने काफ़ी सारा डेकोरेशन भी किया हुआ था, इसलिए वो गाने में कुछ अलग ही आ रही थी। तो बस संडे था और सोच रहा था यह व्लॉग भी काफ़ी टाइम से बना है नहीं, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए निकल भी जाता हूँ और एक व्लॉग भी शूट कर लूँगा। दिस इज़ द प्लेस वेयर लाइक पीपल आर शूटिंग एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग। सो इट्स अ वेरी नाइस एरिया, गार्डन एरिया। इफ़ यू वॉन्ट टू सीट हियर यू कैन टेक द फोटोग्राफ्स एंड जस्ट चिल विद योर फ्रेंड्स। बस यही है आपको दिखाना चाह रहा था थ्रू माई लेंसेज। सो इफ यू आर पीस लवर देन यू कैन कम टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस, एंड If you're a photography lover then also you can come to this kind of place। और आपको मैं अच्छी अच्छी जगह मैं दिखाता रहूँगा एक्सप्लोर, आपको मैं ट्राई करूँगा कि आप एक्सप्लोर कर पाएँ अच्छी अच्छी चीज़ें। अहमदाबाद में काफ़ी सारी प्लेसेस जो हिडन प्लेसेस हैं, तो वही मैं एक्सप्लोर करूँगा, आपको
आई ट्राई टू शो यू थ्रू माई वीडियोज़ एंड ब्लॉग। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आप लोगों का प्यार बनाए रखिए और यही चाहिए मुझे। और जल्दी मैं शायद आउट स्टेशन की भी टूर स्टार्ट करूँगा, देखते हैं जैसा लॉकडाउन का क्या हिसाब रहता है उसके हिसाब से मैं सोचूँगा कि क्या कर सकते हैं कहाँ जा सकते हैं। बस ये आपको मैं अभी सिनेमैटिक बताऊंगा, सो यू कैन एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट ऑफ डालस टेम्पल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।